जी हाँ देख सकते हैं, यह दूर से मैं आपको स्वामी विवेकानंद स्मारक दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद कन्याकुमारी के चरण पादुका के दर्शन कराने जा रहा हूँ। जी हाँ देख सकते हैं, यह चरण पादुका है कन्याकुमारी की, जो कि आपके किसी भी शहर से कन्याकुमारी के लिए आना चाहता हो, इसके बाद रात में हम शाम के रामेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। जी हाँ सुबह अगर आप मॉर्निंग टाइम में आ जाओगे तो बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। हवाओं का बहुत ज़्यादा तेज वेग है। यहाँ चरण पादुका कन्याकुमारी की है, उसको हमने देख रहे हैं। यहाँ स्टेट में स्वामी विवेकानंद विराजमान हैं। जी हाँ अब मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक्चुअली शाम का समय हो चुका है, यहाँ सूर्य उदय और सूर्यास्त बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। साउथ इंडियन में सबसे बेस्ट पैलेस है। जी हाँ लोग बाग लेने में लगकर सिर्फ द्वारा जहाज द्वारा जहाज द्वारा जा रहे हैं अपने अपने स्थान पर। जी हाँ जिनकी रात में ट्रेन है तो रात में भी निकल सकते हैं। जी देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद स्मारक हमें थोड़ी देर आ चुका है, तो हवा का वेग बहुत अधिक होने के कारण मैं आपको दिखा नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद स्मारक देख सकते हैं आप। कन्याकुमारी में सूर्योदय सूर्यास्त देखना बहुत ही लुभावना लगता है। ऐसे लगता है जैसे कि सूरज समुद्र में समा रहा हो और सूरज समुद्र से ही निकल रहा हो, बहुत ही लुभावना आनंद आता है। ये दूर से मैं आपको स्वामी विवेकानंद और महर्षि की प्रतिमा के दर्शन करा रहा हूँ। देख सकते हैं आप बहुत ही शानदार नज़ारा है। आज हम कन्याकुमारी के दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ यादगार फोटो और वीडियो मैं बना रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो सब शेयर करें, मेरा चैनल धर्म राजू सब्सक्राइब करें। जी हाँ बोर्ड द्वारा स्वामी विवेकानंद स्मारक जाती है, जो कि कन्याकुमारी में स्थित है। जी हाँ कन्याकुमारी में तीन सागर से मिलकर यहाँ त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर, अरब सागर और पश्चिम बंगाल की खाड़ी, ये तीनों मिलकर यहाँ कन्याकुमारी में मिलती है। जी हाँ यह आप देख सकते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद के दर्शन में कराने जा रहा हूँ। जी हाँ इस बोट द्वारा देख सकते हैं, यहाँ लाइफ जैकेट द्वारा देख सकते हैं। कन्याकुमारी चरण पादुकाएँ हैं यहाँ पर। जी हाँ यहाँ कन्याकुमारी चरण पादुका है। विवेकानंद के पीछे का नज़ारा, स्वामी विवेकानंद स्मारक के पीछे का नज़ारा। यहाँ स्वामी विवेकानंद स्मारक का आनंद लेते हुए योगी कन्याकुमारी